AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के इस्लामोफोबिया वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी हिंदूफोबिया से ग्रस्त हैं। इससे पहले ओवैसी ने उन पर यानी कि बंदी संजय कुमार पर इस्लामोफोबिया की बीमारी होने का आरोप लगाया था। दरअसल पूरा मामला ये है कि बंदी संजय कुमार ने कहा था कि मदरसे अपने छात्रों को AK-47 राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बस क्या, इसी पर ही मामला आगे बढ़ा। इस बयान को AIMIM चीफ ने आड़े हाथ लिया और इस पर पलटवार किया। AIMIM चीफ ने कहा है कि बंदी संजय कुमार को मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है। ओवैसी ने कहा है कि संजय कुमार को इस्लामोफोबिया की बीमारी है। वहीं अब ओवैसी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता ने ओवैसी को हिंदूफोबिया से पीड़ित बता दिया है। केंद्रीय मंत्री ने ओवैसी के हिंदूफोबिया से ग्रस्त होने का आरोप लगाते हुए कई एग्जाम्पल्स दिए। उन्होंने कहा है कि क्या यह सच नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के मदरसे में हथियार पाए गए थे। उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि 15 मिनट दीजिए, हम हिंदुओं का सफाया कर देंगे। यह हिंदूफोबिया नहीं तो और क्या है। ओवैसी के कॉलेज में एक शिक्षक हिजब तहरीर का नेतृत्व करते पाया गया। इस तरह वे किस फोबिया से निपट रहे हैं। मंत्री संजय कुमार ने कहा कि अब तो ओवैसी के अपने समुदाय ने भी सच बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता ने ओवैसी पर हैदराबाद के पुराने शहर को रोहिंग्या और आतंकी तत्वों के गढ़ में बदलने का आरोप भी लगाया है। समय नरकी बीफ गोमांस दिनाले मजा उठा था उनकी एम फोबिया होंगी। कुमार ने आगे कहा है कि वैसे खुद को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन गणेश चतुर्थी, दिवाली, दुर्गा पूजा में वही जूस कहाँ दिखता है। दरअसल बता दें कि ओवैसी ने आलोचना करते हुए कुमार के इस्लामोफोबिया की बीमारी पीड़ित होने का आरोप लगाया था। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओवैसी ने पिछले सप्ताह यहाँ एक सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करने के दौरान ओवैसी ने कहा कि आपको यानी कि संजय कुमार इस्लामोफोबिया की बीमारी है। बस क्या, इस पे ही बवाल मच गया। बता दें कि ओवैसी अक्सर किसी न किसी बात को लेकर मुसलमानों का जिक्र करते रहते हैं और इस्लामोफोबिया का जिक्र भी करते हैं, जिसमें बीजेपी नेता उनको आड़े हाथ लेते हैं। इस बार भी यही हुआ। बीजेपी नेता पर पलटवार किया, बीजेपी नेता पर जुबानी वार किया, जिसके बाद बीजेपी नेता ने ओवैसी के बयानों का जवाब दिया है, कई सवाल खड़े किए हैं और उन पर कई सवाल पूछे हैं। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। videodex.amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।